हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साधना फैमिली ब्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, सुबह का नाश्ता सिंपल। ये पोहा है, आलू, कटा हुआ प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटो, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, नमक और ये मूंगफली। अब हम इसका से भी भूनेंगे, भून के छिलका निकाल के इसका हमने छिलका निकाल लिया। तेल गरम करेंगे, ये सरसों का ऑयल है, हम सरसों का ऑयल ही हम लोग खाते हैं। गरम हो गया तेल, सरसों का ही ऑयल खाना चाहिए, सबसे अच्छा होता है ये। और ये भी मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता बना रहे हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया है, जीरा इसमें डालेंगे, जीरा चटक जाए। बस अब थोड़ी सी लहसुन डाल देंगे, ऐसे लहसुन सब कोई नहीं डालता, हम लोग खाते हैं तो डाल दे रहे हैं। जीरा, मिर्ची, प्याज भी चलती है इसमें, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लहसुन। इसे हम हल्का पकाएंगे, हल्का भूनने के बाद फिर मिर्ची डालेंगे, क्योंकि लहसुन फिर बहुत महकती रहती है। इन दोनों को हल्का सा भूनेंगे, फिर प्याज डाल देंगे। अभी हम 5 मिनट तक भूनेंगे इसको। देखो पक रहा है, अब आलू इसमें डाल के भूनेंगे। मटर का समय होता है तो मटर भी आप डाल सकते हैं, अभी तो सिंपल ही है नाश्ते में, तो हम आलू ही डाल रहे हैं, अभी मटर का मौसम नहीं है। और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब इसको हम भूनेंगे कि आलू पक जाए, जब आलू पक जाएगा उसके बाद ही हम डालेंगे मसाला टमाटर, क्योंकि फिर आलू पकेगा नहीं। अभी नहीं पका, अभी और भूनेंगे इसको। लाल होने तक भूनेंगे, बस थोड़ा बाकी पक गया है। इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसे हल्का पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसे, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए। इसको हल्का सा भूनेंगे, बस बस पकने ही वाला है। अब
अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसमें गरम मसाला भी डाल दिए हैं दोनों साथ में। मूंगफली डाल देंगे, इसको हमने भून के छिलका इसका निकाल लिया है। अब हम इसे धुल के, हम 3-4 बार धुल के, पोहा को पहले ही रख दिया था हमने, अब इसे डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे कुछ देर पकाएंगे, और दोस्तों मेरा नाम साधना है, मेरे चैनल का नाम फैमिली ब्लॉग है, साधना फैमिली ब्लॉग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम इसी तरह वीडियो बना के डालते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पोहा बस बन के रेडी हो गया है। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, सिंपल नाश्ता है, बेसिकली हर लोग ही बनाते हैं इसे, पर हर आदमी को बनाने का अलग ही तरीका होता है। तो हमने इसे ऐसे बनाया है, बस बन गया है। इसमें धनिया की पत्ती डाल के खा सकते हैं। बस दोस्तों ये बिल्कुल बन गए, तैयार हो गया है, इसे हम निकालेंगे खाने के लिए। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसे ज़रूर सुधारेंगे। आप खाइए पोहा, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।